ना इंसाफी है, ये तो बहुत ना इंसाफी है। चलो आई एम सो सैड। पूजा है तो उसी सिलसिले में कुछ सामान लेना है मार्केट से, प्रसाद वगैरह है, तो वो अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है। चांदी पे चांदी पे पाव किलो है, सारे मिठाई देख के किसको खाने का मन नहीं करेगा। कंट्रोल मैथी कंट्रोल है, जो काला जामुन अच्छा लगता है। ये जो कचौड़ी है ना, ये बहुत मस्त कचौड़ी है। 20 रुपया का हो गया। कितने खिला दिया? चार दिया ना, एकदम रेडी है ना? रेडी है, अभी खाना है। ककड़ी 2 दे दीजिए। कटोरी का साइज देखो, अंदर तक तेरा टंग जा कैसे रहा है बिल्ली। अरे बहुत सचमुच रे, हाँ बाबा क्या टैलेंट है स्वीटी का, मुंह ही डाल ले उसके अंदर। स्वीटी और कुछ है नहीं। स्वीटी किधर है? ये हमारे पुराना ट्रेडमिल, ये चला बाहर है। अभी ये तरफ आप लोग ने शायद कभी आया नहीं होगे। और देख गिलहरी, अभी काम चल रहा है ना बैंबू का, चारों तरफ बैंबू ही बैंबू। यहाँ पे काफी फूल का है। माली भैया जब से गए हैं ना, आवाज सुनाई नहीं देगा, साइड में रोड है। माली भैया जब से गए हैं फूल पौधा थोड़ा सा बेचारा सुस्त हो गया। उधर नारियल का है पूरा। स्वीटी एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, ये ड्राई हो गया नाला। नहीं साइड से नहीं, ये पीछे का ग्राउंड, यहाँ पे कोई आता नहीं है। नारियल का साइज देखो, और पेड़ भी तो छोटा है। ये देखो ये वाला थोड़ा सा बड़ा हुआ है। हाँ ये डेंजरस होते। ये वाला बैम्बू मुझे बहुत पसंद है। नीचे का पोर्शन देखा क्या, वो कितना सुंदर है ना, घर पे लगाने के लिए बहुत सुंदर है। ये वाला ग्राउंड एक्चुअली कम यूज होता है। हमारे घर है उधर की तरफ और हम आए हैं इधर से। What's it like to be the one that he turns to when he's sad? मेरे सर पे मत चढ़ जाना। क्या नाम है उसका? अरे सास भी बोल रहा था, आंटी पिछले साल हम लोग आए थे ना आपका गणपति के लिए। मैं बोली इस साल तो नहीं आ पाए ना, कितने सारे टॉयज था। वही मुझे आधा समझ में नहीं आता ना बच्चों को, पूरा सब एक झूठ वहाँ पे खेल रहे। खेला वहाँ पे तक खत्म नहीं हुआ। नहीं उसका नाम क्या है भूल गई मैं, वरुष्का। हाँ वरुष्का बड़ी हो गई, छोटी थी इतनी सी, अभी नहीं होती ना वरुष्का। सर क्या हुआ? हाँ तुम तो बड़ी हो गए। बिल्ली को हाथ लगा के कैसा लगा? बिल्ली मिला नहीं फिर से? बिल्ली मिला नहीं फिर से तुम लोगों को? कॉकरोच था। देखो बच्चों को कॉकरोच दिख गया था मेरे घर पे। कॉकरोच तो रहेगा ना घर पे, सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे। स्वीटी मुझे दिखा रही कितना जोर से स्विंग कर रही हूँ। एक दिन इतना जोर से ना सीधा जाके एकदम पूरा राउंड कर लेगी, एकदम राउंड। स्विंग करने की जरूरत नहीं, सर्कल सर्कल हो जाएगा। उतना जोर से मत करो बाबू, मुझे देख के डर लग रहा है। ये है नींबू का पत्ता, चाय में दिन में अच्छा लगता है। फूल फूल के गए, सारा सामान लेके गए, फूल रखे। वो देख स्वीटी को देख के आ रही है, रियली वो देखो स्वीटी को देख के आ गई। ये देखो देखो सच में स्वीटी, ये तुझे पहचान लिया मेरे पास आ रहा है। मैं बुलाऊ? कहने घर को बुलाओ। है देखो, अरे वाह कितना क्यूट है। देखो मैं कितना सारा सामान, अरे ये सब नहीं। हाँ ये देखो खाना खा रहे, खा रहे। इधर इधर है, अरे बाबा हाँ चाट फूट के खा लेगा। बाबा क्या चाट फूट के खा रहे तुम। सिटी को देख के दौड़ के आ गए ना, मुझे इतना अच्छा लगा। हेलो म्याऊ करना, म्याऊ करो, म्याऊ अरे म्याऊ करो, अरे म्याऊ तो करो। Yeah.
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं भी एकदम चंगा हूँ। अरे आ गया मैं तुम्हारा वेलकम कर दिया। चंगा चंगा है, मैं ठीक हूँ। चकदे फट्टे 90 किले। अरे 1/4 कप घी मोटा वाला बर्तन में, 1 कप बेसन धीमी आंच पे एकदम भूनना है जब तक खुशबू आ जाए। ये 10 से 15 मिनट करने के बाद ये अभी धीरे धीरे घी छोड़ने लगेगा, पहले एकदम ड्राई हो जाएगा लगभग 20-25 मिनट। और जब खुशबू एकदम अच्छी तरह से पूरा घर या पड़ोसी तक खुशबू आ जाएगा, इस तरह से हो गया, इसको अभी ठंडा करना है। देखो लिक्विड लिक्विड, यो जो खुशबू आ रहा है ना, मेरा आस पड़ोस में सबको आएगा क्योंकि मेरे पे भी आता है ना। ये देखो घी सेपरेट हो गया, लेकिन इसको अभी ठंडा होना है। और ये जब ठंडा हो जाएगा, 1/2 कप पाउडर शुगर, मिठास थोड़ा अंदाजा से इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे मैंने आलमंड्स को थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लिया था, और इसको अभी अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी गोल गोल पकाओ, बहुत पसंद आया ये। Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Hello friends, welcome back to the channel. I hope मेरे सारे friends बहुत अच्छे हैं। खुश रहना, हैप्पी रहना, दिल से भूंदो रहना, दिमाग से लेकिन स्मार्ट रहना है। अब ये सारे और अच्छा नहीं लग रहा, स्वीटी को बोल ही उठा, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है ना, तो फिर से चाय पीते हैं। हाँ दे, किसके लिए लाई हूँ, चलो दिखा चल। हाँ क्या खुशबू है। कोई कोई बोलते मैथ्री आप लोग इतना कर्व्स क्यों खाते हो? एक्चुअली थायराइड में ज्यादा प्रोटीन नहीं खा सकते, डाइजेस्टिव सिस्टम थायराइड में एकदम खराब हो जाते हैं, इसीलिए मैक्सिमम यहाँ पे सारे धोने के लिए इजी टू डाइजेस्ट खाना, राइस वगैरह। मैं ज्यादातर राइस, इसीलिए मेरा एक्चुअली बचपन से हम ऐसे ही खाते आए हैं, हमारे इंडियन डाइट ऐसे ही है। आप बंगाली हो के नॉनवेज नहीं खाते हो? अरे नॉनवेज खाती हूँ, पहले बहुत खाती थी, अभी कम हो गया, इसी एक रीजन की वजह से। भगवान का फूल पानी होता है ना, मैं पौधे में इस तरह से दे रही थी। भगवान का प्रसाद हिसाब से ज्यादा ज्यादा बढ़ेंगे ना पौधे। बिल्ली को देख के आज बहुत खुशी हुई, स्वीटी तो बोल रहे थे उसको एक दिन घर पे लाऊंगी मैं, बोले लेके आए फिर वो डेली आते रहेगा। इतने सारे पत्ता लेके आए शांतनु के लिए, गिफ्ट लेके आए, रेसिपी ऑफ हाउ टू मेक नाइस ब्लैक टी। शांतनु ब्लैक टी बहुत। नाउ द वाटर इज बॉइलिंग, नाउ आई विल पुट 3 लाइम लीव्स। अरे धरती पे आज हमारी हिंदी भी बोल लो, क्योंकि मेरा चैनल है हिंदी में, मैं इंग्लिश नहीं डाल सकती। यू ब्रेक इट इनटू छोटे छोटे कुटी कुटी टुकड़ो एंड देन यू नींबू का जो पत्ता लाई वही देसी मेथड, दार्जिलिंग मकई वाली सेकंड फ्लश। ये सेकंड फ्लश नहीं, सेकंड फ्लश इसको जस्ट थोड़ा सा देंगे। अरे बोलो सेकंड फ्लश कोई खाए या नहीं? खाए नहीं, पिए पिए पिए, एकदम जबरदस्त। बॉइल नहीं करूंगा, बस ऑफ करके ढक दूंगा 2 मिनट। और ये देखिए ये ऐसा बन गया, थोड़ा अदरक भी डाल देते हैं। क्या कलर, अदरक डालोगे तो फिर वो नींबू का स्मेल चला जाएगा। वाह 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 वाह, ये ग्लास में यार कलर भी क्या लग रहा है इधर। वाह वाह, एकदम चिल वाला। और अपना हिसाब से ले लो जिसको जितना चाहिए। मैं लेकिन हाँ ब्लैक टी में जितना चाहिए काट काट, थोड़ा सा शुगर लेती हूं, जस्ट हल्का सा मीठा। ये है शांतनु का पटियाला पिग, सर्दी में मजा आएगा। अरे लेकिन पटियाला पिग मुझे जितना लगता है इससे छोटा होता है, मतलब मुझे जितना पता है, कोई एक्सपीरियंस है नहीं इतना। मैं ये सब ना रिसर्च करने में मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन कभी नहीं होता है। क्या कर रहे, पढ़ाई लिखाई इधर से चल गए और नेट नहीं चल रहा है। इसीलिए स्वीटी वहाँ पे बैठी थी पहले, उसके बाद यहाँ पे बैठी है, अभी नेट नहीं चलेगा तो बेचारा पढ़ेंगे कैसे। चाय पी लो, एकदम गरम है। हाँ गरम है, अच्छा खुशबू आ रहा है, वो नींबू पत्ता जैसा खुशबू आता है ना। Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heart. Sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, block your ego.
में सिर्फ गाजर बीन्स जैसा है। और हाँ, व्हाइट व्हाइट किसी ने पूछा था मैथ्यू वो क्या है, बेबी कॉर्न है, कैप्सिकम जो लाल पीला, और ब्रोकली। ब्रोकली को गर्म पानी में मैंने ब्लंच कर लिया था। और ये जो मैंने तड़का जैसा बनाया, ये सिर्फ लहसुन और ऑलिव ऑयल, पहले भी आप दे सकते हो लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी है इसीलिए जल जाता है कभी कभी लहसुन, और ढेर सारा ब्लैक पेपर। एक बार बना के खा के देखो, स्वीटी को बहुत पसंद है ये। स्वीटी आज कोई स्पेशल चीज बना है, बच्चे जब तक ये सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते ना मजा नहीं आता। क्या सैड क्यों है, नींद आ रही है उसको पक्का। What's it like to be the one that he turns to when he's tired of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? और ये बेसन के लड्डू आप सबके लिए, ये शांतनु का फ्रेंड का मम्मी का रेसिपी है। और ये बेसन का लड्डू जरूर बनाना, ऑसम। और ये ग्लूटेन फ्री खाना है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे ट्रेडिशनल चीजें इसीलिए बनाया गया है, ये विंटर में ज्यादातर खाया जाता है। अब देखो वो बाबा ये चॉपस्टिक से खा रहे है, हाय रब्बा। अब देखो इसका अंदर इस तरह से हुआ है, वन ऑफ माई फेवरेट बेसन का। बर्तन धोना हो गया क्योंकि थर्सडे होता है ना, मैक्सिमम थर्सडे कोशिश करती हूँ बर्तन धो के रखूँ। किसी किसी फ्रेंड ने पूछा था मैत्री आप अभी बर्तन क्यों धोते हो, मंदा तो आ रही है। एक्चुअली मैं सुबह शाम थोड़ा बहुत धो के रखती हूँ, मजा आता है। हाँ, मुझे बर्तन धोना फेवरेट बोल सकते हो घर का कामों में से, क्योंकि मेरा सिंक देखा है ना इतना छोटा सा, अगर पूरा सारे खाने का बर्तन उसमें रख दूंगी ना पूरा वो जगह भर के, वो एकदम उससे भी डबल। ये सेकंड लॉट है, लड्डू चोरी करके आता हूं। पहले तो इधर डब्बे में रखूंगी, उसके बाद सीधा अरे इसके अंदर चिट्टी विट्टी नहीं आता, मैंने देखा ट्राई करके देख लिया, ये रहेगा तभी नहीं याद आएगा मुझे खाना है, ये हेल्दी है रोज एक एक खाऊंगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो ये हो रहा है, बारिश हो रहा है पूरा फटाफट फट। अभी इस टाइम पे रात को 12 बजे बारिश होता है किसी जगह पे, जल्दी फटाफट फटाफट, अगर बूंदा गिर जाएगा ना तो पूरा एकदम गंदा हो जाएगा। अभी इधर रखूंगी, आज थोड़ा सा बेचारे को धूप देने के लिए ऊपर रखा था, सोचो बारिश अब बॉम्बे में इस टाइम पे, सोचो कपड़ा निकाल लिया और बारिश भी कम हो गया। ना इंसाफी है ये तो, बहुत ना इंसाफी है। स्वीटी ने इतना मेहनत किया बीचे में बेचारा, क्या बना है बाबा, सेकंड उसका फेवरेट है, मतलब प्रोफेशनल हो गया बेसन का लड्डू में। ये वाला बनाना अगर अच्छा ना लगे पैसा वापस बोल रहे, तुम ही जाके दोगे ना। नहीं सच में मतलब शांतनु ने अगर किसी भी खाने को पास कर दिया, मतलब आप उसको आंख बंद करके कर सकते हो ऐसा वाला। तो बस वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा लाइक जरूर करना भूलना मत, और मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स है तो जरूर सब्सक्राइब करना, हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, बाय। टाटा बाय बाय अमर जनो देखा पाए, टाटा बाय बाय अमर जनो देखा पाए, मतलब बाय बाय बाय। You're like an ocean without land, not a single grain of sand, I'm drifting on it.